हाय, आज हम ये बात करते हैं कि गूगल में जॉब करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें। अगर कोई गूगलर बनता है तो कैसे बनता है, स्पेशली अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कंप्यूटर साइंटिस्ट है, कोडर है, डेवलपर है, प्रोग्रामर है, इस तरह के फील्ड से रिलेटेड है, तो वो कैसे जॉब कर सकता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें कोई आपको सीवी या कोई आपको रेफरेंस नहीं चाहिए, कोई आपको रिज्यूमे सबमिट नहीं करनी, कोई इस तरह का सीन नहीं है। तकरीबन पूरा साल एक इनका कंपटीशन ऑन होता है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ राउंड्स होते हैं, तो जो भी उसमें टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको गूगल इन्वाइट करता है और वो फिर इंटरव्यू देते हैं और गूगलर बन जाते हैं। तो वो कंपटीशन आप जितनी दफ़ा मर्जी चाहें उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब भी आप टॉप की पोजीशंस पे आएंगे तो आपको गूगल इनवाइट कर लेगा इंटरव्यू के लिए और आप गूगलर बन जाएंगे। तो बेसिकली कंपटीशन जो बेस है वो एल्गोरिदम्स पे बेस करता है, ठीक है। वो आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग को जज करते हैं। वो ये जज करते हैं कि कैसे जो साइंटिस्ट है या प्रोग्रामर है वो कम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस को मैनेज करता है, कितनी जल्दी वो अपना दिमाग चला के सोल्यूशन ले आता है और कितने वो रिसोर्सेज मैनेज कर सकता है, कितने कम रिसोर्सेज में कितनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इस कंपटीशन का नाम है किकस्टार्ट, ठीक है। किकस्टार्ट 2020 अंडर भी है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कोडिंग करनी है और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। शेड्यूल इसका ये है कि इसका जो इस साल का पहला राउंड था वो लास्ट वीक को हो गया, ठीक है। तो वो मार्च 22 को था, नेक्स्ट राउंड जो है वो है अप्रैल 18 को। तो ये 3 घंटे के सारे राउंड हैं, इसके 3 से 4 प्रॉब्लम्स पर राउंड होती हैं, ठीक है। ये सारे राउंड चलते रहते हैं पूरा साल ही। तो इस तरह का राउंड है, ये बेसिकली रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। ये जो यूज़र है उन्होंने 100 पॉइंट्स स्कोर कर लिए, मैक्सिमम पॉइंट्स थे 100, लेकिन फिर आगे ये लिखा हुआ कि कितने टाइम में इन्होंने ये सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम सेट्स हैं, तो कितने टाइम में इन्होंने सॉल्व किया है ये लिखा हुआ है, और ये बेसिकली प्रॉब्लम सेट है, ठीक है। इसके 4 प्रॉब्लम्स हैं, आगे ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं, मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम या जो भी। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आप रन कर सकते हैं। अगर आप C#, C++, D, Dart, Go, JavaScript, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift या VB, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको यूज़ करके आप इसमें कम्पीट कर सकते हैं और बार बार कम्पीट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टॉप के 10 बुलाते हैं और आप 11th में हो, तो आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो किसी और जॉब के लिए, या फिर आप नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकते हो। ये एक तरह की आपकी सर्टिफिकेशन हो गया, आपकी एक अचीवमेंट है कि आपने पार्टिसिपेट किया और आपने कोई रैंक अचीव किया है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर था, तो लाजमी पार्टिसिपेट करें। तब तक थैंक यू।